नमस्कार दर्शकों, मैं आरिष अग्नोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मकर राशि वालों के बारे में। मकर राशि वालों के लिए जुलाई 2024 से मार्च 2025 तक का समय कैसा रहने वाला है, इस बीच कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी, क्या लाभ होगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो सबसे पहले यह समझिए कि मकर राशि पर शनि की 7.5 का यह अंतिम चरण चल रहा है और अंतिम चरण के कुल शेष 8 महीने ही बाकी है। इन 8 महीनों में शनि की जो गति होगी वो बहुत ज्यादा तीव्र रहने वाली है, क्योंकि 29 जून 2024 को शनि जो है वक्री हो गए। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी गति बढ़ जाती है। जैसे शनि एक राशि में 30 डिग्री तक चलते हैं, अब शनि को 30 डिग्री तक चलने के लिए 30 महीने का समय लगता है, मतलब एक डिग्री एक महीने में शनि पार कर पाते हैं। लेकिन अब जो शनि गति करेंगे वो 2 डिग्री में भी करेंगे एक महीने में, और 3 डिग्री भी जो है एक महीने में गति करेंगे। वो कैसे, समझने का प्रयास करेंगे और फल आपको कैसा देने का काम करेंगे, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे शनि इस समय 25 डिग्री में गोचर कर रहे हैं, और यदि हम समझे कि एक महीने में एक डिग्री शनि चलते हैं तो 5 महीने में 7.5 आपकी समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि शनि जो है अब वक्री हो गए हैं। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो रिवर्स आता है। अभी जैसे हम बात करें जुलाई के महीने में 1 तारीख की यदि हम बात करें तो शनि लगभग 25 और 26 डिग्री के बीच में गोचर कर रहे हैं, लेकिन यही हम 31 तारीख तक देखते हैं, 30 जुलाई तक का समय यदि हम देखते हैं तो शनि जो है सीधे 2 डिग्री और कम हो जाएंगे, 23 डिग्री में आ जाएंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह जो है जब वक्री होता है तो रिवर्स आता है। ऐसे ही शनि जो है जुलाई के महीने में आप देखेंगे कि पूरे जुलाई के महीने में अंतिम में जो है ये 2 डिग्री जो है रिवर्स आ जाएंगे। इसी प्रकार जब ये अगस्त के महीने में जाएंगे तो 2 डिग्री और ज्यादा कम हो जाएगी, ये जो है 21 डिग्री में आ जाएंगे। इसके बाद जो है आप सितंबर के महीने में देखेंगे तो 2 डिग्री और कम हो जाएगी। ऐसे ही आप 15 नवंबर तक की यदि हम बात करें, क्योंकि 29 जून 2024 को शनि वक्री हुए हैं और ये वक्री रहेंगे 15 नवंबर 2024 तक, लगभग 4.5 महीनों तक शनि वक्री अवस्था में गोचर करने वाले। तो अभी लगभग जो है 25 डिग्री में गोचर कर रहे हैं और 15 नवंबर 2024 को शनि आ जाएंगे 18 डिग्री में। अब ये 18 डिग्री में आ जाएंगे नवंबर के महीने में, और नवंबर से मार्च तक की यदि हम बात करें तो बहुत ही कम समय बचता है। ऐसे में क्या शनि 30 डिग्री तक चल पाएंगे? जी हाँ, अब शनि जो है वक्री तो डबल जो है इन्होंने जो है रिवर्स किया, अब जो है ये मार्गी जब होंगे तो एक महीने में 3 डिग्री चलेंगे, इतनी स्पीड इनकी हो जाएगी, इनकी जो गति है वो बहुत ज्यादा जो है तीव्र हो जाएगी। और आप देखेंगे कि दिसंबर के महीने में शनि जो है 1 दिसंबर से यदि हम 30 दिसंबर की बात करें तो 3 डिग्री जो है आगे बढ़ जाएंगे शनि, और 3-3 डिग्री जैसे ही ये महीने में जो है बढ़ेंगे तो 29 मार्च 2025 को शनि की 30 डिग्री हो जाएगी, और जैसे ही 30 डिग्री होगी शनि का राशि परिवर्तन हो जाएगा और शनि जो है मीन राशि में गोचर करेंगे, और ये गोचर करेंगे 29 मार्च 2025 को, और 29 मार्च 2025 को आपकी शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी पूरी तरह से, आप शनि की 7.5 से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। अब इनके हम फल के बारे में जानते हैं कि ये जब डिग्री वाइज जो है गोचर करेंगे तो इसका प्रभाव हमारे ऊपर कैसा रहने वाला है। हम राहु के बारे में भी बात करेंगे, केतु के बारे में भी बात करेंगे और गुरु के बारे में भी विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं कि आने वाले समय में इन ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर डिग्री वाइज कैसा पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शनि के बारे में, क्योंकि शनि हमारे राशि के स्वामी है, लगन के स्वामी है, प्रमुख ग्रह है
और इनका प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। वैसे तो देखा जाए तो चार ही ग्रह हैं जिनका प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा पड़ता है और लंबे समय तक बना रहता है। राहु, केतु, शनि और गुरु, इन ग्रहों का राशि परिवर्तन लंबे समय के दौरान होता है। यदि हम शनि के बारे में बात करें तो शनि एक कठोर ग्रह है। शनि कठोर इसलिए है क्योंकि ये जो है जज देने वाले न्यायाधीश है, और न्यायाधीश यदि सरल हो जाएगा तो वो कैसा जो है डिसीजन ले पाएगा। इसीलिए शनि जो है कड़क कठोर है, इन्हें क्रूर भी कहा गया है। और शनि का जो स्वभाव है ये कर्मों के अनुसार से फल देने का काम करते हैं। न्यायाधीश इसीलिए इनको कहा गया है। शनि जो है कर्म के दाता है, कर्मों के अनुसार से फल देने का काम करते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा आपको नहीं सोचना है कि हम काम करेंगे तभी हमको सफलता मिलेगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि काम करने वाला पेपर न्यूज जो बांटने वाला होता है वो सुबह उठ जाता है लगभग 4 बजे, 3 बजे भी उठ जाते हैं कई लोग, और बहुत मेहनत करते हैं। हर घर घर जाकर के मेहनत करना, पेपर डालना, वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। तो एक वो मेहनत एक अलग है, और जो मजदूरी करता है वो मेहनत अलग है, और एक जो लोग सर्विस करते हैं बड़ी बड़ी नौकरियों में होते हैं वो मेहनत एक अलग है। तो हम इसको ऐसा नहीं जोड़ेंगे कि मेहनत करने से ही हमें जो है अच्छे फल मिलेंगे। मेहनत के साथ साथ किस्मत का भी साथ होना चाहिए। और किस्मत कौन बनाते हैं? किस्मत बनाते हैं ग्रह। ग्रहों का जो एक खेल होता है इसी के आधार पर किस्मत का जो है साथ मिलता है। तो ग्रह की स्थिति यदि आपकी कुंडली में बढ़िया है, ग्रह आपके अच्छे चल रहे हैं, और थोड़ा से भी यदि आप मेहनत करते हैं, थोड़ा भी यदि आप दिमाग लगाते हैं, तो सफलता आपको जरूर मिलने वाली है। तो शनि जो है कर्म के दाता तो है, स्वाभाविक है कि कर्मों के अनुसार से आपको फल मिलने वाला है। बिना कर्म किए आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ये ग्रह कुछ नहीं देने वाली। लेकिन कर्म आपको कितना करना है ये आपके ऊपर डिपेंड है, ये आपके किस्मत के ऊपर डिपेंड है, ये ग्रहों के ऊपर डिपेंड है। कई लोगों के ग्रह बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, एक सिग्नेचर किया लाखों का काम हो गया। कई लोगों के ग्रह बहुत ज्यादा खराब होते हैं, दिन रात जो है मजदूरी करते हैं और सिर्फ जो है क्या मिलता है, सिर्फ जो है खाने पीने की आवश्यकताओं को ही पूरा कर पाता है वह व्यक्ति। तो कहीं ना कहीं जो है किस्मत का साथ होना, ग्रहों का साथ होना बहुत जरूरी है। और कई लोग कह देते हैं कि ग्रह का गोचर बदलता है लेकिन हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सबके ऊपर ग्रहों का प्रभाव होता है, बशर्ते आपकी कुंडली में ग्रह की स्थिति कैसी है, आपके कर्म कैसे हैं, आपका प्रारब्ध कैसा है और पिछले जन्म के आपके कर्म कैसे हैं, ये सबको जोड़ करके जो है फल जो है शनिदेव देने का काम करते हैं। ये जो ग्रह स्थिति है ये बहुत ज्यादा प्रभावी होती है, जो जानते हैं उनको जो है ये सब पता है। तो यदि हम शनि की बात करें तो शनि इस समय जुलाई के महीने में 25 डिग्री में गोचर कर रहे हैं, और 25 डिग्री में जब कोई ग्रह जाता है, 24 से 30 डिग्री जब कोई ग्रह जाता है तो वो 25% ही फल देता है, क्योंकि उसकी अवस्था जो होती है वो वृद्ध अवस्था होती है। 4 अवस्थाएं होती है जिसमें 25 डिग्री में वृद्ध अवस्था में शनि गोचर कर रहे हैं और ये 25% ही रिजल्ट देने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब ये वक्री है और वक्री होने के कारण इनके पास एक्स्ट्रा पावर है, क्योंकि ग्रह के पास जो है एक्स्ट्रा पावर आ जाती है, एनर्जी आ जाती है और ग्रह जो है गति जो है वो बढ़ा देता है। अब शनि जो है डबल गति से गोचर कर रहे हैं, जो कि जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में और 15 नवंबर तक इनकी डबल गति होने के कारण पिछले जो आपके फल है उनमें वृद्धि करने का काम भी करेंगे और जो है फल जो है देने का काम कर रहे हैं वो डबल फल देने का काम करेंगे। जो आपके कार्यों में डिले हो रहा था, जो काम आपका 10 दिन में बन रहा था वो अब 1 दिन में आपका काम हो जाएगा। जिन कार्यों में डिले होते हुए आपने देखा है वो काम अब स्पीड से होते हुए नजर आएंगे। जिसके लिए आपने बहुत ज्यादा संघर्ष किया अब उतना संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कम मेहनत में अब शनि आपको ज्यादा रिजल्ट देने का काम करेंगे इन 4 महीनों में, इन 4.5 महीनों में, नवंबर तक। और नवंबर के बाद इनकी गति और ज्यादा तीव्र हो जाएगी, क्योंकि अभी तो ये 2 डिग्री चलेंगे, फिर ये जो है आगे की ओर अभी रिवर्स आ रहे हैं 2-2 डिग्री, और 15 नवंबर 2024 को जैसे ही ये
मार्गी होंगे तो सीधे चलने लगेंगे और इनकी जो गति रहेगी वो सबसे ज्यादा स्पीड हो जाएगी। एक महीने में 3 डिग्री ये गोचर कर जाएंगे। तो सबसे ज्यादा स्पीड होने के कारण मकर राशि वालों के जीवन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं जो बड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा और यहां पर आपको थोड़ा सावधानी रखना होगा। कई लोगों को तो जबरदस्त लाभ देखने को मिलेंगे लेकिन कई लोगों को सावधानी भी रखना होगा। अब यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत अच्छी है या फिर सामान्य है तो फिर भी आपको बहुत जबरदस्त लाभ मिलने वाले हैं, क्योंकि जाते जाते शनि कुछ बना करके जाने वाले हैं। और कहा गया है कि शनि का जो तीसरा चरण होता है ये बड़ा लाभदायी होता है। शनि दो चरणों में जो नुकसान करते हैं, जो परेशान करते हैं, जो संघर्ष करवाते हैं, उसका रिजल्ट जो है तीसरे चरण में देने का काम करते हैं। लेकिन आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, आपके प्रारब्ध अच्छे होने चाहिए, पिछले जन्म के कर्म आपके बढ़िया होने चाहिए। और शनि का एक रूल है कि यदि आपके अच्छे कर्म है तो फल जरूर देने वाले हैं। शनि ही एक ऐसा ग्रह, राहु और केतु के साथ साथ शनि भी एक ऐसा ग्रह है जो रंग से राजा बना देता है, लेकिन यदि आपके कर्म खराब है तो ये राजा से रंग बनाने में भी देरी नहीं करते। तो इसलिए यहां पर थोड़ा सा आपको समझना होगा कि शनि की जो स्थिति है ये एक अलग प्रकार की है, ये आपके कर्मों से जोड़ करके जो है शनि फल देने का काम करते हैं। अब यदि हम बात करें नवंबर तक, तो नवंबर तक की यदि बात करें 15 नवंबर तक तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। अभी तक शनि की क्या स्थिति थी, शनि का एक रूल होता है कि जिस भाव में ये बैठते हैं उस भाव के फलों में वृद्धि करते हैं, फल को बढ़ा देते हैं, लेकिन जहां पर शनि देखते हैं वहां पर खराब करते हैं। अब शनि की दृष्टि के बारे में बात करें तो चौथे भाव में इनकी तीसरी दृष्टि पड़ रही थी, जो कि मकर राशि पर सबसे ज्यादा जो परेशानियां देखने को मिली, सुख नहीं मिल रहा था। कई लोगों के पास धन था, वाहन था, पराक्रम था और सब कुछ होते हुए भी सुख नहीं था, चैन नहीं था, नींद नहीं थी। चौथा भाव जो होता है ये सुख का होता है, भूमि का होता है, भवन का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, मकान का होता है, वाहन का होता है और माता के सुख का होता है। इन चीजों पर कहीं ना कहीं रुकावट देखने को मिली। भूमि खरीदने के लिए प्रयास किया, पैसा भी था लेकिन अच्छी प्रॉपर्टी आपको मिल नहीं पाई। आपने प्रॉपर्टी बेचने के लिए निकाला है लेकिन समय पर प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, ये सब परेशानियां देखने को मिली। कई लोग वाहन खरीदने के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन कोई ना कोई ऐसी अड़चन आ रही है कि वो खरीद नहीं पा रहे हैं। शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो अष्टम भाव में पड़ रही है और अष्टम भाव होता है गूढ़ ज्ञान का, रिसर्च का, गुप्त धन का, व्याधियों का, परेशानियों का, ससुराल पक्ष का। कहीं ना कहीं यहां पर भी कुछ ना कुछ परेशानियां देखने को मिली, संघर्ष ज्यादा करना पड़ रहा है, सफलताएं नहीं मिल पा रही है। उसी प्रकार हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, ससुराल पक्ष से संबंध भी खराब हो रहे हैं, पैसा फंस गया है, कई लोगों का लोन चढ़ गया है, कर्जा चढ़ गया है और उसको उतारने के लिए बड़ा प्रयास कर रहे हैं, मानसिक टेंशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये स्थितियां बन रही थी। इनकी दशम दृष्टि सप्तम अष्टम नवम दशम लाभ भाव में पड़ रही है, जो कि लाभ के लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ रहे हैं, संघर्ष करना पड़ रहा है और मेहनत ज्यादा हो रही है, सफलता कम मिल पा रही है। वही धन भाव में बैठे हैं, लाभ भाव के आय के मालिक हैं, तो आय जो भी हो रही है खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, खर्चों पर लगाम नहीं लग रही है। तो ये स्थितियां जो है बिगड़ रही है। लेकिन अब शनि जो है इन क्षेत्रों पर जो है प्रभाव बहुत ही कम डालेंगे, क्योंकि जब कोई ग्रह वक्री होता है, अस्त होता है, तो दृष्टि का प्रभाव जो है कम हो जाता है। इन क्षेत्रों से अब आपको लाभ देखने को मिलेगा और शनि मालिक है आपके लगन के और धन के, तो स्वास्थ्य आपका बेहतर करेंगे, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा देंगे, अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, धन में वृद्धि हो सकती है, अचानक धन लाभ दे सकते हैं, कुटुंब परिवार का अच्छा सहयोग मिल सकता है या परिवार से बड़ा लाभ आपको मिल सकता है, या कहीं ना कहीं से जो है अचानक धन का जो है लाभ हो सकता है। ये स्थितियां बनाने का काम शनि जो है करने वाली है। अब नवंबर से जो है मार्च तक शनि क्या फल देंगे, नवंबर से मार्च तक शनि जो है अब ये सीधे चलने लगेंगे और सबसे ज्यादा इनकी गति हो जाएगी, 3-3 डिग्री जो है ये चलने लगेंगे एक महीने में। तो सबसे अच्छे फल जो आपको मिलने वाले हैं वो 15 नवंबर से लेकर के मार्च तक मिलने वाले हैं। इस टाइम पर जो आपकी इच्छाएं उसको पूरा करने का काम जो है शनि करेंगे।
शनि जो है जाते जाते इस प्रकार का फल दे करके जाएंगे कि जो आपने खोया है वो आप जो है वसूल कर लेंगे और आपकी व्यापारिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका कैरियर बहुत अच्छा हो जाएगा, चाहे आप प्राइवेट नौकरी में हो, चाहे आप व्यापार में हो, चाहे स्वयं का काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं शनि जो है कृपा करने का काम करेंगे, कहीं ना कहीं शनि आपके संघर्ष में सफलता पर जो है बदलाव करने का काम करेंगे। तो ये स्थिति जो है सबसे ज्यादा जो है आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगी वो पड़ेगी 15 नवंबर 2024 से 29 मार्च 2025 तक। इस समय शनि सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे और सबसे ज्यादा एक्टिव रहेंगे और क्षणिक मात्र में फल देने का काम करेंगे बहुत स्पीड गति से, क्योंकि शनि एक मंद ग्रह है, बहुत धीरे धीरे चलते हैं। लेकिन नवंबर के महीने में इनकी जो गति होगी वो तीन गुना होने के कारण ये फल भी तीन गुना ज्यादा देने का काम करेंगे। इसीलिए मकर राशि वालों के लिए जो नवंबर से मार्च तक का समय है सबसे बेहतरीन रहने वाला है। धन से संबंधित, फाइनेंशियल से संबंधित परेशानियां आपकी दूर होंगी, कुटुंब परिवार की स्थिति में सुधार होगा, शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे और कैरियर को मजबूत करने का काम करेंगे, कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा रहेगा, व्यापारिक स्थिति को भी मजबूत करने का काम करेंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत शानदार रहने वाली है। इसके बाद यदि हम बात करें राहु के बारे में, और राहु 16 डिग्री में गोचर कर रहे हैं और केतु भी 16 डिग्री में गोचर कर रहे हैं, और कहा गया है कि 12 डिग्री से 18 डिग्री के मध्य में जो भी ग्रह होता है वो 100% रिजल्ट देने वाला होता है। तो राहु केतु भी आपको 100% रिजल्ट देने के लिए तैयार है, और राहु जिस राशि में बैठता है उस राशि के स्वामी के गुणों को ग्रहण करके उसी के अनुसार फल देने का काम करता है। अब गुरु की राशि में राहु बैठे हैं और गुरु का जो गुण होता है, गुरु का जो स्वभाव होता है, जो कारक तत्व होते हैं वो हमारी मूलभूत चीजों से जुड़ी हुई होती है। जैसे गुरु धन के कारक है, विवाह के कारक है, संतान के कारक है, शिक्षा के कारक है, ज्ञान के कारक है, फाइनेंशियल स्थिति के कारक है। तो इन क्षेत्रों पर राहु का बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। और तीसरे भाव में स्वाभाविक है कि राहु अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, और अब गुरु की स्थिति बढ़िया है, अभी तक तो गुरु की स्थिति बढ़िया नहीं थी, इस कारण से राहु के उतने अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे थे। लेकिन अब गुरु के भी जो देखा जाए तो 14 डिग्री में गोचर कर रहे हैं, और वो भी पंचम भाव में, कारक भाव में, जहां पर सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। और यहां पर गुरु संतान कारक माने जाते हैं, संतान उत्पन्न करने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। तो गुरु जो है कारक भाव में अच्छी स्थिति में 14 डिग्री में है, जो कि 12 से 18 डिग्री में 100% रिजल्ट देता है ग्रह, वही स्थिति में जो है गुरु गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राहु के आपको अच्छे परिणाम मिलने ही वाले। राहु सोशल मीडिया में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, यात्राओं से लाभ होगा, कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों से लाभ होगा, इलेक्ट्रॉनिक वाले क्षेत्रों से लाभ होगा, आईटी सेक्टर से आपको लाभ होगा। वही यदि आप दो नंबर वाले क्षेत्रों में काम करते हैं तो अच्छा लाभ देने का काम करते हैं, कोयला वाले क्षेत्रों में, डीजल पेट्रोल वाले क्षेत्रों में, इन सभी क्षेत्रों में राहु का एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। तो राहु इन क्षेत्रों पर एक अच्छा प्रभाव जो है डालने का काम करने वाले हैं आने वाले समय पर। केतु की बात करें, केतु जो कि भाग्य भाव में 16 डिग्री में गोचर कर रहे हैं, ये भाग्य के विधाता है, भाग को बदलने का काम करने वाले हैं, भाग की स्थिति को मजबूत करने का काम केतु करेंगे। और केतु की स्थिति इस समय बहुत अच्छी है, केतु बैठे हैं बुध के घर में, बुध की स्थिति भी बढ़िया है, इस कारण से बुध के फल भी देने का काम करेंगे, भाग का पूरा साथ आपको मिलने वाला है, जो रुके हुए काम है वो भी केतु करवाने का काम करेंगे। लेकिन आध्यात्म के प्रति आपका लगाव बढ़ जाएगा, गूढ़ ज्ञान जो है प्राप्त करने के लिए आप प्रयास करेंगे, या कोई धार्मिक शिक्षा आप अध्ययन कर सकते हैं। तो केतु की स्थिति भी आपके लिए बहुत अच्छी है, पूरा साथ मिलने वाला है आपको किस्मत का। गुरु के बारे में बात करें, जो कि गुरु आपके तीसरे भाव के मालिक है और आपके 12वें भाव के मालिक है, विद्यार्थियों के लिए समय सबसे बढ़िया रहेगा, पढ़ाई के लिए जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है, चाहे पढ़ाई के लिए जाना है, चाहे नौकरी के लिए जाना है, चाहे व्यापार के लिए जाना है, तो ये समय आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों में अच्छा लाभ होगा, जो लोग टीचिंग फील्ड में है, बैंक फाइनेंस इंश्योरेंस मार्केटिंग क्षेत्र में है, सेल्स में है, या कंसल्टेंसी में है, एडवाइजर में है, मैनेजमेंट में है,
इन सभी क्षेत्र वालों को गुरु का एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलने वाला है। जो लोग बिजनेस करते व्यापार करते हैं उन लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहने वाला है, और गुरु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं तो लव लाइफ के लिए भी समय बढ़िया रहेगा, शिक्षा के लिए समय बढ़िया रहेगा, संतान उत्पन्न करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बढ़िया समय है, फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करने का काम भी यहाँ पर गुरु करते हैं। और गुरु जुआ लॉटरी शेयर मार्केट इत्यादि क्षेत्रों पर भी एक अच्छा प्रदर्शन करने का काम करते हैं, तो गुरु की स्थिति आपके लिए बहुत ही मजबूत है। गुरु की दृष्टियों का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, जो कि भाग्य भाव में दृष्टि होने के कारण भाग का पूरा साथ आपको मिलने वाला है। लाभ भाव में सप्तम दृष्टि होने के कारण लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी, और इनकी लगन भाव में दृष्टि होने के कारण कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, कोई नया काम आप प्रारंभ कर सकते हैं और उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी, सफलता भी मिलेगी। तो गुरु की भी स्थिति आने वाले समय में बढ़िया रहने वाली है, और गुरु भी जो है अक्टूबर के महीने में वक्री होंगे, इनके पास भी पावर बढ़ जाएगा और अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर करना है कि कुंडली में यदि ग्रहों की स्थिति आपकी बहुत अच्छी है तो ये बदलाव जरूर देखने को मिलने वाला है। अब जिस प्रकार आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति है उसी प्रकार से आपके जीवन में बदलाव होगा। ग्रहों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है तो कुछ खास जो है बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, और कुंडली में ग्रहों की स्थिति सबसे टॉप की है तो ये बदलाव बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है, इसमें कोई दोराय वाली बात नहीं है। यदि आपकी राहु की महादशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, केतु की महादशा चल रही है, मारक ग्रह की महादशा चल रही है तो बदलाव थोड़ा कम देखने को मिलेगा, और यदि शुभ ग्रह की महादशा चल रही है, योग कारक ग्रह की महादशा चल रही है तो ये बदलाव जरूर होगा, ये फल आपको जरूर मिलने वाले हैं, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। और शनि जो है धन भाव में गोचर कर रहे हैं तो नवंबर के महीने से धन में वृद्धि करने का काम, कुटुंब परिवार की स्थिति को सुधारने का काम करने वाले हैं। शनि की स्थिति यदि आपकी कुंडली में खराब है तो ओम सम शनिश्चरायण मा इस मंत्र का भी जप करें जिससे बेहतर रिजल्ट आपको मिले। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।